दोस्तों, जैसे एक शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, ठीक वैसे ही एक मगरमच्छ को पानी का बादशाह कहा जा सकता है। क्योंकि एक शेर जंगल के अंदर जितना खौफनाक होता है, पानी के अंदर एक मगरमच्छ उससे भी कई गुना खतरनाक हो सकता है। और एक मगरमच्छ इतना ज्यादा आक्रामक होता है कि कभी कभार तो ये शेर और बाघ जैसे जीवों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इनके चंगुल में जो जीव एक बार चला आता है, उसका बच निकल पाना लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर एक कोमोरो ड्रैगन के बारे में की जाए, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि कोमोरो ड्रैगन इस दुनिया का सबसे खतरनाक और बेरहम जानवर है। ये जीव इतने क्रूर तरीके से अपने शिकार के ऊपर हमला करते हैं कि नजारा देखकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये जीव दिखने में भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आप इन्हें एक बार अपने आंखों के सामने देख लें तो आपके दिल धड़कने बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कभी अगर एक कोमोडो ड्रैगन और एक मगरमच्छ के बीच में जंग छिड़ जाए, तो इस जंग में कौन सा जानवर विजेता के रूप में उभर कर आएगा? अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है, तो आप हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम इन दोनों जानवरों के बीच में एक तुलना करके जरा ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइज, दोस्तों सबसे पहले तो हम इन दोनों जीवों के आकार और आकृति के ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए आकार और आकृति एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। जो जीव आकार में अपने दुश्मन के मुकाबले में ज्यादा बड़ा होता है, उसे जंग के मैदान में ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक मगरमच्छ के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, बात अगर एक मगरमच्छ के बारे में की जाए, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक एडल्ट मेल क्रोकोडाइल की औसत लंबाई करीबन 5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक हो सकती है। वहीं उसका औसत वजन करीबन 1100 किलोग्राम के आसपास रहता है। अब अगर एक कोमोरो ड्रैगन के विषय में बात की जाए, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कोमोरो ड्रैगन की औसत लंबाई करीबन 2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकती है। वहीं उनका औसत वजन करीबन 70 किलोग्राम के आसपास रहता है। दोस्तों, कोमोरो ड्रैगन को इस दुनिया के सबसे बड़े आकार वाले लिजर्ड होने का खिताब तो जरूर दिया जाता है, लेकिन आकार और आकृति के मामले में ये मगरमच्छ से काफी पीछे हैं। तो दोस्तों, आकार और आकृति के ऊपर चर्चा करने के बाद हम इन दोनों जीवों के बाइट फोर्स के ऊपर थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बाइट फोर्स, दोस्तों बात अगर एक मगरमच्छ के बारे में की जाए, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक मगरमच्छ के लिए उसका दांत ही उसका सबसे बड़ा औजार होता है। ये मगरमच्छ अपने इन नुकीले दांतों के मदद से दुनिया के किसी भी जानवर को दबोचने की क्षमता रखते हैं। इनके जबड़े बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनके मुंह में करीब 60 से लेकर 70 दांत मौजूद होते हैं। दोस्तों, अब बात अगर एक मगरमच्छ के बाइट फोर्स के बारे में की जाए, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक मगरमच्छ का बाइट फोर्स करीबन 3700 PSI के आसपास होता है। अब जरा आप ये सोच कर देखिए कि जब एक मगरमच्छ इतनी शक्तिशाली बाइट फोर्स को लेकर किसी जानवर को दबोचता है, तो तब उस जानवर की क्या हालत होती है। अपने इस शक्तिशाली बाइट फोर्स के सहारे एक मगरमच्छ एक स्टील के प्लेट का भी कचुम्मर बना सकता है। अब अगर बात एक कोमोरो ड्रैगन के बारे में की जाए, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कोमोरो ड्रैगन के मुंह में भी करीब 60 दांत मौजूद होते हैं और ये जीव भी अपने इन नुकीले दांतों के सहारे अपने शिकार को अंजाम देता है। लेकिन दोस्तों, एक कोमोरो ड्रैगन का बाइट फोर्स सिर्फ 500 से लेकर 600 PSI तक हो सकता है। इस बाइट फोर्स के सहारे कोमोरो ड्रैगन जंगल के अन्य जीवों को तो बड़ी आसानी से हरा सकता है, लेकिन एक मगरमच्छ का मुकाबला कर पाना मुमकिन नहीं है। स्पीड, दोस्तों आकार और बाइट फोर्स के बाद जिस अहम फैक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस फैक्टर का नाम है स्पीड। दोस्तों, जंग के मैदान में स्पीड हमेशा से ही एक अहम भूमिका निभाता है।
जिस जीव के पास ज्यादा रफ्तार होता है, जो जीव ज्यादा फुर्तीला होता है, जंग के मैदान में उसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दुनिया के कुछ जीव अपने रफ्तार को ही अपना औजार बनाकर अपने शिकार को अंजाम दिया करते हैं। अब हम अगर बात किसी मगरमच्छ के बारे में करें तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक मगरमच्छ की स्पीड करीबन 25 किलोमीटर के आसपास होता है। अब अगर हम कोमोडो ड्रैगन के तरफ देखें तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कोमोडो ड्रैगन की स्पीड करीबन 20 किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन दोस्तों, मगरमच्छ और कोमोडो ड्रैगन, ये दोनों ही जीव बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। पानी के अंदर एक मगरमच्छ करीबन 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तैरने की क्षमता रखता है। कोमोडो ड्रैगन बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं और ये पानी के अंदर बिना रुके एक साथ करीब 1000 मीटर तक तैर सकते हैं। लेकिन पानी के अंदर इसकी रफ्तार कितनी होती है, इस बात का कोई पुख्ता सबूत किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों, पानी के अंदर एक मगरमच्छ को हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, इसलिए इस मामले में भी हम एक मगरमच्छ को ही आगे रखना पसंद करेंगे। अटैकिंग स्टाइल। दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए एक अच्छे स्ट्रेटजी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम इस दोनों जीवों के अटैकिंग स्टाइल के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक मगरमच्छ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक मगरमच्छ पानी के एकदम अंदर रहकर अपने शिकार के ऊपर नजर जमाए रखता है। अपने स्किन कलर के वजह से ये जीव पानी में ऐसे घुल मिल जाता है कि इसके दुश्मनों को भी इसके आसपास होने की भनक तक नहीं लगती है। इसके बाद पानी में घात लगाकर ये चुपचाप सही मौके का इंतजार करता रहता है, और जब इसको कोई सही मौका मिल जाता है तो तब ये सिर्फ पलक झपकते ही अपने शिकार के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि एक मगरमच्छ इतनी फुर्ती और तेजी से अपने दुश्मन के ऊपर हमला करता है कि उसके दुश्मन को संभालने का मौका तक नहीं मिलता है। इसके बाद ये अपने नुकीले दांतों के मदद से अपने शिकार को सीधे पानी के अंदर ले जाता है। पानी के अंदर आकर ये अपने शिकार को एकदम से खत्म कर देता है। दोस्तों, एक मगरमच्छ का सबसे ताकतवर हिस्सा उसका जबड़ा होता है। अपने ताकतवर जबड़ों के मदद से ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ही अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर एक कोमोडो ड्रैगन के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कोमोडो ड्रैगन इस दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर जानवर होता है। ये अपने दुश्मनों को बड़े ही बेरहमी से मार देते हैं। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन ज्यादातर सड़ा हुआ मांस खाना पसंद करता है, इसलिए इसके मुंह से जो लार निकलता है वो बहुत ही ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। एक कोमोडो ड्रैगन अपने इस जहरीले लार का इस्तेमाल करके ही अपने शिकार को अंजाम देता है। ये अपने दुश्मनों को काट कर उनके खून में अपने इस जहरीले लार को इंजेक्ट कर देता है। इसके चलते वो जीव तड़प तड़प कर मर जाता है और तब ये बड़ी आसानी से उनको खाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, एक मगरमच्छ के स्किन स्केल्स इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि एक कोमोडो ड्रैगन के लिए उसे भेद पाना करीबन नामुमकिन होता है। लेकिन एक मगरमच्छ अपने ताकतवर बाइट फोर्स के मदद से कोमोडो ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, इसलिए इस विषय में भी हम एक मगरमच्छ को ही आगे रखेंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए इस तुलना के अनुसार अगर कभी भी किसी भी हालत में एक मगरमच्छ और एक कोमोडो ड्रैगन के बीच में जंग छिड़ जाए तो इस जंग में जीतने की संभावना एक मगरमच्छ की ज्यादा होगी। लेकिन इस विषय में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।